नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में लगातार हो रही बारिश से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तबाही मच गई है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं, खासकर बात की जाए उत्तर पूर्वी बिहार की, तो वहां पर बाढ़ का पानी गांव-गांव तक घुस चुका है और उसके बाद लोगों का रेस्क्यू तक करना पड़ रहा है। स्थिति ऐसी आ गई है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं, एनएच पर जाकर वो शरण ले रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ना उनके पास खाने को है, ना पीने को है, अब तो रहने के लिए घर भी नहीं है, क्योंकि घर बाढ़ के पानी में डूब चुका है, घर अब तबाह हो चुका है। तो तबाही इतनी है जो दिल दहला दे। तस्वीरें जो सामने आ रही कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रही। इसी बीच 9 ऐसी नदियां हैं जो उफान पर है और उनके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बात की जाए गंगा नदी की, तो गंगा नदी फरक्का में अपने रेड जोन को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बीती रात की बात की जाए तो शनिवार की रात 12 सेंटीमीटर ऊपर ये नदी बह रही थी। वहीं बात की जाए उससे 24 घंटे पहले की, तो 24 घंटे पहले 4 सेंटीमीटर उफान पर थी, जो रात में बढ़कर 12 सेंटीमीटर हो गई। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर हो रही है और अब डर से दहशत फैल गया है। एक तरफ जहां कोरोना काल का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ अब बिहार पर बाढ़ का प्रकोप है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसा तब है जबकि बिहार में गंगा का ट्रेंड अधिसंघ के स्थानों पर गिरता दिख रहा था, लेकिन फरक्का में इसके लाल निशान के ऊपर आने के बाद अब बिहार में भी बक्सर से भागलपुर तक इसके जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका है। असर रविवार को ही देखने लगा। कहलगांव में इसके जलस्तर में वृद्धि होने लगी, जबकि भागलपुर में इसका घटता जलस्तर ठहर गया। कहलगांव में जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 18 सेंटीमीटर ही नीचे है, यानी कि बक्सर से भागलपुर तक जलस्तर खतरे के निशान के करीब होते जा रहा है। उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। पटना में भी मध्यम बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक रविंद्र कुमार ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में पश्चिम चंपारण के गौनाहा में सबसे अधिक 118 मिलीमीटर बारिश हुई, पटना में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। अगले 24 घंटे तक पटना में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बताई गई है। वहीं गंगा में सिल्ट की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। सिल्ट जमा होने के कारण ही फरक्का से डिस्चार्ज भी कम होता है। अभी जब बक्सर में गंगा खतरे के निशान से 7.21 मीटर नीचे है, वहीं फरक्का में यह खतरे के निशान को पार कर चुका है। पटना में 1 मीटर नीचे रह गई है, लेकिन फरक्का में जलस्तर बढ़ने का असर यहाँ पड़ेगा। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि चूँकि बिहार में गंगा अभी खतरे के निशान से नीचे है और फरक्का में ऊपर नहीं पहुंची है, लिहाजा बराज के कुछ गेटों को खोलकर पानी के बहाव को बढ़ाया जा सकता है। तो स्थितियां काफी गंभीर हो रही है। इस वक्त बिहार जो है वो दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ कोरोना का संकट भी है तो दूसरी तरफ अब बाढ़ का भी खतरा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ का पानी घुस चुका है, इलाके में जल भराव है, जलमग्न हो चुका है इलाका और लोग इतने परेशान है क्योंकि उनके पास ना खाने को है ना रहने को है। खाना इसलिए भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि तबाही मची है, और रहने के लिए तो इसलिए भी नहीं है क्योंकि बाढ़ का जो पानी है वो उनके घर तक पहुंच चुका है, उनका घर बाढ़ के पानी में डूब चुका है। तो स्थितियां इतनी गंभीर हो गई हैं, कहीं ना कहीं सरकार की जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर पा रही है सरकार। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव भी बनाता नजर आ रहा है और सवाल भी करता नजर आ रहा है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि कैसे इस बार बिहार इस आपदा की घड़ी से निकलेगा और कैसे उन तमाम लोगों के लिए इस बार नीतीश सरकार की तरफ से कुछ ठोस प्लान किया जाता है।